गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम पाठ 10 क्रिया रीड करेंगे। क्रिया का अर्थ है काम। काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। पक्षी उड़ रहे हैं, माँ खाना बना रही है, पिताजी दोस्त के साथ बातें कर रहे हैं, भाई फुटबॉल खेल रहा है, राधिका सफाई कर रही है, धोबी कपड़े धो रहा है। आपने ऊपर लिखे वाक्यों में देखा कि रेखांकित शब्दों से काम के करने या होने का पता चल रहा है। ऐसे ही काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। वह शब्द जिनसे काम का करना या होना मालूम हो वह क्रिया कहलाते हैं। जैसे खेल रहा है, खा रही है, सो रही है आदि। कुछ जानने योग्य विशेष बातें। फर्स्ट है, था और थी भी क्रियाएं होती हैं। जैसे आज रविवार है, कल मैच था। सेकंड, कुछ कार्य अपने आप हो जाते हैं और कुछ काम किए जाते हैं। जैसे किया जाने वाला काम, पक्षी उड़ रहे हैं, माँ खाना बना रही है। अपने आप होने वाला काम, हम पलक झपकते हैं, नदी का पानी बह रहा है, हम सांस ले रहे हैं। थर्ड, क्रिया के रूप लिंग के अनुसार बदलते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। पढ़ता शब्द पढ़ना क्रिया का पुल्लिंग है, पढ़ते शब्द पढ़ना क्रिया का स्त्रीलिंग है। फोर, क्रिया के रूप वचन के अनुसार भी बदलते हैं। जैसे पतंग उड़ रही है, पतंगे उड़ रही हैं। उड़ रही है, उड़ना क्रिया का एक वचन रूप है। उड़ रही है, उड़ना क्रिया का बहुवचन रूप है। नंबर 5, बिना क्रिया के कोई भी वाक्य कभी भी पूरा नहीं कहलाता। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज योर होमवर्क रीड चैप्टर 10। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।